हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैंसर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपके लेके आया हूँ आपके जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का जो चैप्टर थर्ड है स्टेट गवर्नमेंट, उसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए, जो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका आता है फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है, इसमें आपका आता है द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज कॉल्ड द, तो हम जो है उसको क्या कहते हैं, उसको हम विधानसभा के रूप में जानते हैं। देन सेकंड आता है द अपर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचिव स्टेट जो लेजिस्लेचर्स है उसे हम काल कहते हैं, उसे हम कहते हैं विधान परिषद। देन थर्ड आता है आपका द ड्राफ्ट ऑफ अ लॉ इज कॉल्ड अ बिल, तो ड्राफ्ट होता है उसे हम बिल के रूप में जानते हैं। देन आपका फोर्थ आता है फिलअप में आ जाएगा द डैश इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट, तो जो द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट। देन लास्ट आपका फिलअप आता है जिसमें द सीनियर मिनिस्टर फ्रॉम द डैश, सीनियर मिनिस्टर कौन होते हैं, तो वो होते हैं आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। तो इस तरीके से फिलअप के हुए। देन नेक्स्ट आता है आपका राइट टू टी फॉर ट्रू और ए फॉर फॉल्स, और जो करेक्ट स्टेटमेंट करना है आपको फॉल्स स्टेटमेंट को। फर्स्ट आता है मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द विधान परिषद, तो आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट है, मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द विधान सभा। देन द गवर्नर अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बेस्ड ऑन द चीफ मिनिस्टर एडवाइस, तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। देन थर्ड आता है द हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट बॉडी ऑफ द जुडिशियल इन द स्टेट, ये भी आपका क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। देन फोर्थ आता है आपका ऑल स्टेट्स हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एमएलएस, तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। द नंबर ऑफ एमएलएस इज डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट, मीन्स उस स्टेट में कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनके अकॉर्डिंग एमएलएस के जो नंबर है वो डिसाइड होते हैं। देन समटाइम्स अ स्टेट कैन बी प्लेस अंडर प्रेसिडेंस रूल्स, ये भी आपका क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस। देन नेक्स्ट आता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट आता है द टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ द विधान परिषद इज फॉर, कितनी ईयर्स के लिए होता है विधान परिषद का है, तो वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 6 ईयर। विधानसभा का पूछा जाएगा तो वहां पर आपका 5 ईयर्स हो जाएगा। देन मेंबर ऑफ द विधान परिषद आर नेवर, कभी भी वो क्या नहीं होते हैं, वो जो है पीपल्स के द्वारा इलेक्टेड नहीं किए जाते, इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल्स ऑफ स्टेट, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, नेवर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ द स्टेट्स। देन नेक्स्ट आता है आपका वन ऑफ दिस पीपल कैन नॉट बी इलेक्टेड टू द विधानसभा, इनमें से कौन जो पीपल्स हैं वो विधानसभा में इलेक्ट नहीं हो सकते हैं, तो 25 ईयर्स एज ओवर होना चाहिए। प्रॉफिट जो बी ऑप्शन है वहां पर आ जाएगा, या पर्सन वो होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द गवर्नमेंट, मतलब कोई भी जो गवर्नमेंट से सैलरी जो जॉब है वहां पर नहीं होना चाहिए। देन फोर्थ नंबर आता है स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉस वन ऑफ दिस सब्जेक्ट, इनमें से स्टेट जो लेजिस्लेचर है वो कौन से सब्जेक्ट में जो है लॉज बना सकते हैं, तो वो आपका सी ऑप्शन है, एग्रीकल्चर, डिफेंस ऑफ कंट्री है, फॉरेन अफेयर्स है, रेलवेज है, यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लॉज बनाते हैं। देन नेक्स्ट आता है फिफ्थ नंबर का रीड द टू स्टेटमेंट मार्क एज एसरेशन ए एंड रीजन आर, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, इसमें से एसरेशन और रीजन वाइज एसरेशन में देखेंगे तो मध्य प्रदेश द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म ऑफ एरिया हैज मोर एमएलएस देन राजस्थान द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म ऑफ एरिया, मीन्स ये तो एसरेशन ट्रू है। देन आपका द पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज मोर देन दैट ऑफ मध्य प्रदेश, दोनों ट्रू है ना, यहाँ पर रीजन जो है क्या है, फॉल्स है, सॉरी है ना, आप में एसरेशन ट्रू है और रीजन आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका ए होगा कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। देन नेक्स्ट आता है आपका सिक्स्थ नंबर का एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ अ स्टेट द गवर्नर कैन नॉट डू वन ऑफ दिस, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है स्टेट के गवर्नर, तो इनमें से कौन से जो वर्क है वो गवर्नर नहीं करते हैं, तो यहां पर आपका क्या आता है, कौन सा ऑप्शन बी हो जाएगा, चूज द चीफ मिनिस्टर फ्रॉम अमंग मेंबर ऑफ द पार्टी दैट हैड वोन, मींस गवर्नर का काम नहीं होता है कि वो किसी पर्सन को चूज करे, चूज करने का काम जो मेंबर जो जीत कर आए वही में से जो पार्टी के जो मेंबर्स है उनमें से चूज करते, सिर्फ गवर्नर उनको अपॉइंट उनको क्या करता है, बुलाता है कि आइए आप जो है गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कीजिए। देन नेक्स्ट आता है आपका स्टेप टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट have led to marked improvement in the level of literacy across India. Choose the reason for this improvement literacy level को improve करने के लिए state government के द्वारा step taken किया गया, तो इनमें से different options है, first है mid day meal मिलता है, some seats reserve किया जाता है school college में, children's के लिए भी है,
सब स्टेट प्रोवाइड्स स्टिपेंड टू स्टूडेंट कमिंग, जो इम्पेवरिज जो गरीब परिवार से जो फैमिली से बैकग्राउंड से आते हैं उनको भी कुछ जो छात्रवृत्ति के रूप में उनको दिया जाता है, स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर बी और सी है, लास्ट ऑप्शन नहीं होगा कि कंपल्सरी जो फ्री कर दिया है स्कूल कॉलेज से लेकर स्कूल से लेकर, तो ये नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके मल्टीपल चॉइस के लिए नेक्स्ट आपका आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, ब्रीफ में आंसर देना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द थ्री ब्रांचेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के डिफरेंट थ्री ब्रांचेस क्या है। फर्स्ट आपका आंसर देखें तो द थ्री ब्रांचेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, थ्री ब्रांचेस होते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका सेकंड, एक्सप्लेन द एब्रिवेशन एमएलए, एमएलए है उसका फुल फॉर्म आपको बताने हैं। तो एमएलए स्टैंड फॉर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देन थर्ड क्वेश्चन, विच हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉन एज अ परमानेंट हाउसेज हाउस एंड व्हाई, व्हाई क्यों जो है किस हाउस को परमानेंट लेजिस्लेचर के नाम से जाना जाता है, परमानेंट हाउस के नाम से जाना जाता है, क्यों जाना जाता है। इसका आंसर देखें तो द लेजिस्लेटिव काउंसिल और द विधान परिषद इज नॉन एज अ परमानेंट हाउस, मीन्स जो विधान परिषद या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसे हम क्या कहते हैं, परमानेंट हाउस कहते हैं। क्यों, क्योंकि दिस इज बिकॉज द टेन्योर ऑफ ईच मेंबर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज 6 ईयर एंड सिंस 1/3 ऑफ मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर्स एंड न्यू मेंबर आर इलेक्टेड द होल हाउसेस नेवर रिटायर्स टूगेदर, मीन्स जो यहाँ पर जो हाउसेज है वहां के जो मेंबर्स है उनका जो टेन्योर है वो 6 ईयर्स होता है और 1/3 जो मेंबर्स है वो आफ्टर जो एवरी जो 2 ईयर्स है वहां पर वो क्या हो जाते हैं, रिटायर होते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि कभी भी ये जो हाउस है वो डिसॉल्व नहीं होता है, परमानेंट सभी जो मेंबर्स है जैसे आपके विधान सभा में हो जाता है उस तरीके से कभी भी एक साथ रिटायर नहीं होते, इस कारण से इसको परमानेंट हाउस के रूप में जाना जाता है। देन नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर का, व्हाट वुड बी द प्रॉब्लम है पिन इफ मनी बिल कुड बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, क्या होता अगर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट में जो है मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता। हमें पता है कि भाई ये जो है जो आपका जो विधान सभा है वहां पर लागू किया जाता है, बिल लाया जाता है विधान परिषद में नहीं। तो आंसर हम देखें तो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लेजिस्लेटिव असेंबली बिकॉज इट कंप्राइजेस रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, फाइनेंशियल पावर मस्ट ऑलवेज रिमेन विद द पीपल हु हैव बीन इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ अ डेमोक्रेसी। मीन्स मनी बिल विधान सभा में लाया जाता है, मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली में लाया जाता है, क्योंकि यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है डायरेक्टली पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किया जाते हैं और फाइनेंशियल जो पावर्स है हमेशा चुने हुए जो प्रतिनिधि है जो लोगों के बीच चुन के आते हैं उनके हाथों में होना चाहिए डेमोक्रेसी में। तो इस कारण से जो मनी बिल है वो सिर्फ लेजिस्लेटिव जो असेंबली है वहां पर लाया जाता है। देन नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ नंबर का, हु कंस्टिट्यूट द स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव होते हैं वहां पर कौन कौन शामिल होते हैं। तो आंसर देखें सो द स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इस स्टेट एग्जीक्यूटिव में आपके गवर्नर आते हैं, चीफ मिनिस्टर आते हैं और आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। देन नेक्स्ट आता है व्हाट आर द डिफरेंट कोर्ट्स एट द स्टेट लेवल, व्हिच कोर्ट हैज द हाईएस्ट अथॉरिटी अमंग देम। डिफरेंट कोर्ट्स में देखें तो यहां पर आपका सबसे जो द डिफरेंट कोर्ट एट द स्टेट लेवल आर द हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट, द प्रोविंशियल कोर्ट एंड द न्याय पंचायत। द हाई कोर्ट हैज द हाईएस्ट अथॉरिटी अमंग देम। इसको आप एक इस तरीके से चार्ट की तरीके से भी बना सकते हैं जहां पर आपका सबसे हाईएस्ट लेवल पर हाई कोर्ट, उसके नीचे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके नीचे आपका सेशन डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट, फिर प्रोविंशियल कोर्ट और न्याय पंचायत आपके बुक्स में बना, उस तरीके से भी आप नोट डाउन इसको कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपका डिटेल वाले क्वेश्चन है, डिटेल में कि आंसर कुछ लॉन्ग हो सकते हैं आपको उसको एडजस्ट करना है, आपको ज्यादा लॉन्ग लग रहा है तो आपके टीचर्स अगर अलाउ करते हैं तो उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, बट मैं पूरा डिटेल में आपको प्रोवाइड कर दिया हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है सो विथ एग्जांपल फ्रॉम द चैप्टर दैट द फंक्शन ऑफ गवर्नर आर लिमिटेड टू बिगेन ओनली द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ अ स्टेट। मीन्स इस चैप्टर से एग्जाम्पल लेते हुए आपको बताने हैं कि गवर्नर का जो पोस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ही होता है, वो ज्यादातर फंक्शंस वो कहीं ना कहीं आपके जो चीफ मिनिस्टर है उनके एडवाइस से करते हैं। इससे रिलेटेड आंसर देखें तो एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट अ गवर्नर हैज सर्टेन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। अ गवर्नर कैन रिकमेंडेड
प्रेसिडेंट रोल इन स्टेट एंड ऑल्सो रन द स्टेट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट इट्स सच अ टाइम बियंड दिस हाउएवर द रोल ऑफ गवर्नर आर लार्जली लिमिटेड मींस कॉन्स्टिट्यूशनल हेड गवर्नर होता है और गवर्नर क्या है प्रेसिडेंट रूल्स इंपोज कर सकता है स्टेट में और प्रेसिडेंट के बिहाफ में वो गवर्नमेंट को रन कर सकते हैं बट फिर भी जो गवर्नर का जो उसका जो रोल है वो स्टेट में बहुत ही लिमिटेड होता है दे अपॉइंटेड द लीडर ऑफ द पार्टी दैट गेट द मैक्सिमम सीट एज द चीफ मिनिस्टर मींस वो क्या करता है जिस पार्टी को मैक्सिमम जो सीट्स मिले हैं जो मेजोरिटी में उनके जो लीडर है उनको चीफ मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट करता है बट वो मेजोरिटी जो पार्टी है वही जो चूज करते हैं कि भाई जो उनके जो लीडर कौन होंगे चीफ मिनिस्टर कौन बनेंगे और फॉर्मल जो इन्विटेशन प्रोवाइड करने का काम गवर्नर करता है देन व्हाइल द गवर्नर कन्वेंस और प्रूव द असेंबली सेशन एंड एड्रेस द सेशन ऑन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट द पॉलिसीज आर मेड बाय द चीफ मिनिस्टर एंड देयर कैबिनेट मींस गवर्नर क्या करता है कि भी जो असेंबली का जो सेशन है उसको शुरुआत करने की घोषणा जो खत्म करने की भी घोषणा वही करता है और डिफरेंट जो गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसी बनाए जाते हैं उनको वो पढ़ता भी एड्रेस भी करता है ना सेशंस को बट ये सब जो चीजें हैं वो ऑन द एडवाइस चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर जिनके द्वारा किया जाता है उनको ही वो आगे फॉलो करता है सो दस द गवर्नर इज जस्ट अ नॉमिनल हेड द रियल इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो है आपका गवर्नर है नॉमिनल हेड है नाम मात्र का है मेन जो पावर है वो चीफ मिनिस्टर के पास होता है देन सेकंड क्वेश्चन आता है आपका हु अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हाट आर इट्स फंक्शन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट करता है उसके फंक्शन इज कार्य क्या होते हैं सो द चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट्स द मिनिस्टर्स फ्रॉम अमंग्स हिज कलीग्स टू फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीन चीफ मिनिस्टर वो अपने पार्टी के मेंबर में जो जीत कराए हैं जो उन्हीं में से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फॉर्मेशन करते हैं दे आर देन अपॉइंटेड द गवर्नर फिर गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करता है देन द मेन फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूड कैरिंग आउट डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट एडवाइजिंग द गवर्नर ऑन इंपॉर्टेंट इश्यूज एंड टेकिंग ऑल द पॉलिसी डिसीजन मींस उनका जो फंक्शन उसका काम होता है कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है उसको वो चलाने का काम करता है स्टेट का और गवर्नर को इंपॉर्टेंट इश्यूज है उन पर एडवाइस देता है उनको राय मशवरा करता है और पॉलिसीज गवर्नमेंट की पॉलिसीज रिलेटेड डिफरेंट डिसीजन है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही लेते हैं देन नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखें हाउ इज द चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है आंसर है द लीडर ऑफ द पार्टी विच हैज द मेजोरिटी इन द असेंबली इज अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर बाय द गवर्नर मींस जो आपके जो किसी भी जो लीडर पार्टी के जो लीडर होते हैं उनको जो है आपके जो गवर्नर है वो क्या करते हैं चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं द चीफ मिनिस्टर इज देन इनवाइटेड बाय द गवर्नर टू फॉर्म द न्यू मिनिस्ट्री उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर है वो कहीं ना कहीं गवर्नर को एडवाइस देते हैं और गवर्नर जो है न्यू जो मिनिस्ट्री है उसका फॉर्मेशन करते हैं देन चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट द मिनिस्टर फ्रॉम अमंग हिज और हर कलीग्स इन द गवर्नर मींस जो लिस्ट जो है चीफ मिनिस्टर जो गवर्नर को भेजते हैं उन्हीं को गवर्नर जो है बुलाते हैं और उनको क्या करते हैं ओथ टेकिंग का काम करवाते हैं और देन दिस मिनिस्टर फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और द स्टेट कैबिनेट और यही जो मिनिस्टर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर स्टेट कैबिनेट का फॉर्मेशन करते हैं देन नेक्स्ट आता है फोर्थ का कि व्हाई वाज एजुकेशन पुट अंडर द स्टेट लिस्ट राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हाट डू यू थिंक वुड हैव अपॉइंट हैपेंड इफ ओनली द सेंट्रल Government had the authority to form laws on educations across the country. Means यहाँ पर educations को जो है state list में शामिल किया गया है तो ऐसा क्यों किया गया after independence और अगर क्या होता कि सिर्फ central government के पास authority होती कि वो education से related laws बना सकते इससे related answer थोड़ा long होगा है ना after India achieved independence education was made a state subject as each state had to deal with problems that were unique to that region. यहाँ पर आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या होगा एजुकेशन को स्टेट सब्जेक्ट में डाला गया क्यों क्योंकि जो है उस समय जो है डिफरेंट जो स्टेट थे उनके अपने जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स है और उनको वो बेहतर तरीके से वो डील कर सकते तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिसीजन द डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट बिगन टू प्रोवाइड फोकस अटेंशन टू एलिवेट द लेवल ऑफ लिटरेसी इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट मीन्स जी डिफरेंट स्टेट थे तो डिफरेंट स्टेट में जो लिटरेसी लेवल है वो डिफरेंट था तो इस तरीके से स्टेट जो है अपने नीड्स के अकॉर्डिंग दे अंडरस्टूड द नीड्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव स्टेट एडॉप्टेड वेरियस स्ट्रेटजीज टू डील विद दोस तो वो अपने जो नीड्स के अकॉर्डिंग अपने स्टेट में उनको क्या जरूरत है उनके अकॉर्डिंग वो एजुकेशन के फील्ड में वो क्या कर सकते थे
उसको डील कर सकते थे, इस कारण से उसको स्टेट लिस्ट को दिया गया। बट इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू लुक इनटू द एजुकेशन ऑफ ऑल द डिफरेंट स्टेप्स इट वुड हैव फाउंड इट डिफिकल्ट टू डू सो। मतलब जो पूरा सेंट्रल है वही जो देखता है एजुकेशन के फील्ड में जो डिफरेंट जो अलग अलग जो चीजें हैं डिफरेंट जो स्टेट है उनको, सो क्या हो जाता कि इससे प्रॉब्लम क्रिएट होता, क्यों डिफिकल्टीज होता, क्यों? दिस इज बिकॉज इंडिया इज अ वास्ट कंट्री वेयर ईच स्टेट एंड रीजन हैज इट्स ओन नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, दिस आर अंडरस्टूड एंड एड्रेस बेटर बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री, क्यों? क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है और यहाँ पर जो डिफरेंट रीजन है डिफरेंट स्टेट है तो उनके अपनी यूनिकनेस है, उनके अपने रिक्वायरमेंट है, तो इस कारण से वो स्टेट है उसको बेहतर तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, बेटर तरीके से वो प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं, तो इस कारण से स्टेट गवर्नमेंट को एजुकेशन दिया गया था, स्टेट लिस्ट में शामिल किया गया था। बाद में उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ और अभी के दौर में देखें तो स्टेट है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया है, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों जो है कानून बना सकते हैं। तो इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स थे, जितने भी आपके जो क्वेश्चन थे, उसके सोल्यूशन में द्वारा प्रोवाइड कर दिए गए। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और अगर कुछ डाउट्स है कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपकी समस्याओं का जरूर समाधान करूंगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।